अमेठी यानी उत्तर प्रदेश का वो ज़िला जो केवल देश में ही नहीं पूरी दुनिया में इसलिए मशहूर है क्योंकि ये गांधी परिवार की सुरक्षित सीट मानी जाती है। इस बार राहुल गांधी इस सीट से अपनी किस्मत वापस आजमा रहे हैं। पिछली बार मिली भारी जीत के बावजूद इस बार राहुल गांधी लगातार अमेठी के दौरे कर रहे हैं और उनकी बहन प्रियंका गांधी ने तो पूरी तरीके से अमेठी की कमान संभाल ली है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि पहली बार उन्हें अमेठी से उस तरह की चुनौती मिली है जो इतने सालों में नहीं मिली। न केवल आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास 3 महीने से यहाँ डेरा डाले हुए हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने स्मृति ईरानी को भी एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में यहाँ उतारा है। हालांकि ये दोनों मिलकर कितनी बड़ी चुनौती राहुल गांधी के सामने खड़ी कर पाएंगे ये तो पता नहीं है, लेकिन अमेठी में लगातार धूल उड़ाती बड़ी गाड़ियों को देखकर यही लगता है कि जिस तरह का प्रभाव अमेठी के चुनावों पर इस बार देखा जा रहा है वो पहले कभी देखा नहीं गया। जब हम अमेठी के गांवों में घूमते हैं तो हमें पता लगता है कि बहुत सारी जगहों पर पक्की सड़कें भी नहीं हैं। बिजली है कि दोपहर में 3 बजे जाती है तो रात को 11 बजे तक नहीं आती, लेकिन अमेठी के गाँव वालों से बात करने पर पता चलता है कि फ़िलहाल तो भारतीय जनता पार्टी के और आम आदमी पार्टी के प्रचार का बहुत बड़ा प्रभाव दिखाई नहीं देता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गांधी परिवार से राहुल गांधी से नाराज़ हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो मानते हैं कि राहुल गांधी को मौका दिया जाना चाहिए और वो वोट राहुल गांधी को देंगे। राहुल गांधी से नाराज़ी रखने वाले बहुत सारे वोटर शायद इसलिए भी बूथ तक नहीं जाते कि वो सोचते हैं कि राहुल गांधी तो जीत ही जाएंगे। हमने जब अमेठी के लोगों से बात करने की कोशिश की तो अधिकतर लोगों का मत ये था कि राहुल गांधी को अमेठी में और बहुत कुछ ऐसा करना चाहिए क्योंकि अमेठी ने उनको बहुत कुछ दिया है। इस बार के चुनाव दिलचस्प हैं। पिछली बार केवल 41% वोटिंग हुई थी और उसमें से 71% वोट राहुल गांधी को मिले थे। देखना यह है कि आम आदमी पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की चुनौती राहुल गांधी के सामने अमेठी में खड़ी की है उसका सामना वे किस तरह कर पाएंगे। वोट तो 7 मई को पड़ेंगे लेकिन नतीजे 16 मई को ही आ पाएंगे।